Hey guys, what's up, क्या हाल चाल? तो guys, जैसा तुम सबने थंबनेल पर देख चुके हो, फिर से मेरे पास आ चुके हैं एक न्यू बिल्डेड बॉस का माल, जो कि guys ये BX205, क्या बोलो? I mean B205, sorry guys, बिल्डेड एक्स बोल दिया गलती से। wow, sorry यार, जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। वैल्क्री एंड स्पीगन, लेट्स गो। Here we go. Oh, भाई क्या बात है, wow, wow. देखिएगा यार, अल्टीमेट बैटरी विंग एक्सेल और दूसरा यार बोस स्पीगन, wow, wow. देखने तो यार काफी ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। और यहाँ पर गाइस तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और यहाँ पर गाइस बैटरी के ऊपर लिखा है 15, यानी कि 2015, क्योंकि यार 2015 में ही यार बेबेट बोस शुरू हुआ था। तो हाँ, ये एक रिमाइंडर है हम सबके लिए। गाइस आता है ये VS गियर, जो गाइस एक्चुअली V गियर का अपग्रेडेड वर्जन है, इवोल्व वर्जन भी बोल सकते हो इसको। गाइस VS गियर इसलिए बोला जाता है गाइस, इसके साथ एक गिमिक चीज है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। वाओ क्या बात है यार, नॉट बैड। देखिए सब गाइस एक्चुअली घूमता है भाई, क्या बात है यार भाई, सही में काफी क्रिएटिव चीज है गाइस, नॉट बैड। इतना छोटी चीज के अंदर ये गिमिक सा चीज घुसा दिया है, जो गाइस एक्चुअली थोड़ा सा इस गियर को रिसेंबल करता है गाइस, इस गियर की तरह वाइब दे रहा है मेरे को। और इसके साथ जो वी गियर आता है, ये भाई बैल्की के साथ जो आता था ना, सेवर के साथ, वो वी गियर है, इसका इवोल वर्जन है। हाँ, तो हो सके मैं इसको डिवाइन बिलाई के साथ लगा दूंगा, उतना अच्छा खासा नहीं है भाई, और बहुत ही क्रैक क्रैक सा साउंड आता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तुम सबको तो पता ही है क्या है। अब भाई आता है इसका असली माल, जो है ये अल्टीमेट बैटरी विंग एक्सेल। आई नो गाइस मेरा कैमरा अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है अब। ओके, शाम होने वाला यार कुछ ही मिनट के अंदर। ओके, ओके ये रहा यार अल्टीमेट बैटरी, वाओ। तो गाइस ये रहा यार अल्टीमेट बैटरी का DB4 व्हाइट कलर का। मेरे को यार ब्लू कलर का ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ गाइस ये व्हाइट कलर का देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम सा लग रहा है, स्टिकर्स लगाने के बाद और भी ज्यादा अच्छा लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट गाइस आता है इसका ये लेयर, और इसके साथ भी यार रबर है, जैसा यार अल्टीमेट राखी के साथ था। ओके, नॉट बैड। तो हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस, वो अल्टीमेट राखी तरह ही है, थोड़ा सा यार बस डिजाइन का डिफरेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिया गया है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट गाइस आता है इसका ये आर्मोर 9, वाओ देख सकते हो गाइस क्या बात है, नॉट बैड। इसके साथ भी यार स्पीकर्स में लगा दूंगा। नेक्स्ट आता है बोस प्रीगन, वाओ 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 क्या बात है, लेट्स गो। ये रहा यार बोस प्रीगन, क्या बात है जी, वाओ। तो गाइस ये रहा देख सकते हो, इसके साथ रबर आता है कि नहीं मैं पहले देख लेता हूँ। हाँ गाइस ये रबर का है गाइस, हाँ ये रबर है, लेकिन हाँ सॉलिड रबर है गाइस, थोड़ा सा प्लास्टिक का वाइब दे रहा है, तो हाँ वो उतना अच्छी तरह से यार स्पिन टेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब स्पिन स्टील। इसके साथ है गाइस हमारा बोस प्रीगन, जिसका गाइस ये है DB कोड, आई मीन BU कोड, यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर एक छोटा सा डिटेलिंग यहाँ लिखा हुआ है 20, देख सकते हो ये है 2 और ये है 0, जो गाइस एक्चुअली 2015 को रिप्रेजेंट करता है गाइस, क्योंकि अल्टीमेट बैटरी के ऊपर गाइस ये 15 लिखा हुआ है, देख सकते हो 115, सो 2015, क्योंकि 2015 में यार बेलेट बस शुरू हुआ था। तो हाँ गाइस ये काफी कमाल का एक क्रिएटिव डिटेलिंग है, नॉट बैड। और ये रहा यार व्यू कोर, सही में बताओ यार व्यू कोर काफी सिंपल है, उतना ज्यादा हार्ड कोर डिटेलिंग तो नहीं है, लेकिन यार काफी कमाल का लग रहा है देखने में, और स्पीकर का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा है, एक तरह से यार काफी हद तक सही है भाई। लेकिन हाँ भाई कलरिंग की बात करें तो फ्लेम रन उतना अच्छा खासा कलरिंग नहीं किया है गाइस, थोड़ा सा फेडेड कलर है, उतना डार्क या डीप कलर नहीं है गाइस, लेकिन एक तरह से सही है भाई। और पीछे से गाइस इसका ये बोस सिस्टम तुम देख सकते हो, यानी कि भाई ये लेफ्ट एंड राइट स्पिनिंग सिस्टम, ओके नॉट बैड, काफी सही है भाई। इसके साथ है गाइस इसका BU ब्लेड, जो कि यार काफी ज्यादा बल्की है भाई, जस्ट लुक एट देयर, क्या बात है यार, जस्ट देखो यार बहुत ही ज्यादा यार थिक है ये, साइड से देख सकते हो यार बहुत ही ज्यादा थिक है। और ये है भाई इसका राइट स्पिनिंग लेयर, और ये है गाइस इसका ये लेफ्ट स्पिनिंग लेयर, क्या बात है भाई, नॉट बैड। मुझे तो यार ये राइट स्पिनिंग ब्लेड ज्यादा अच्छा लगता है, काफी अच्छा भाई, थोड़ा सा वो यार स्प्राइजिंग इलेक्ट्रोन की तरफ वाइब देता है मेरे को, नॉट बैड गाइस, वाओ। और गाइस ये है भाई इसका व्हाइट कलर का रबर, जो एक्चुअली में यार रबर तो है, लेकिन उतना अच्छा खासा रबर नहीं है जितना यार तकारातो में का है, थोड़ा सा हार्ड रबर है, लेकिन एक तरह से यार सही है, नॉट बैड। नेक्स्ट गाइस आता है ये स्प्रेड डिस्क, जो एक्चुअली की स्प्रेड डिस्क तो नहीं है, डिस्क 8 है एक्चुअली, इसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, मेरे को कमेंट करके बता देना। और हाँ भाई एकदम सर्कुलर सा एक डिस्क है, और यहाँ पर छोटा छोटा एस तुम देख सकते हो, इसका जो डिटेलिंग है नॉट बैड, काफी एवरेज है भाई, नॉट बैड, बहुत ही कमाल का है यार। नेक्स्ट गाइस आता है इसका आर्मर, जो कि गाइस कौन सा आर्मर है मेरे को नहीं पता यार, इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन हाँ ये काफी यूनिक सा एक आर्मर है, नॉट बैड। और डिटेलिंग यार काफी कमाल का है यार इसके ऊपर, जो डिटेलिंग तुम देख सकते हो, बहुत सारे डिटेलिंग है इसके ऊपर, वाओ नॉट बैड, काफी एक सॉलिड मेटल है। उसके बाद गाइस फाइनली गाइस इसके साथ यार आता है वही सेम टू सेम ड्राइवर, जो गाइस अल्टीमेट बैटरी के साथ आता है, दोनों ड्राइवर एकदम सेम टू सेम है, बस ये ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का, यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम टू सेम। क्योंकि अगर ये स्पीकर का ड्राइवर होता था गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा गाइस चीज तुमको दिखाई देता है, जो कि गाइस का छोटा सा एक पॉइंट, जो गाइस यहाँ पर नहीं है, तो हाँ ये काफी एक अटैक टाइप की तरह परफॉर्म करेगा, बाकी भाई पूरा एकदम सेम टू सेम ड्राइवर है। 1, 2, 3 क्लिक्स, क्या बात है यार, नॉट बैड यार, क्लिकिंग मैकेनिज्म काफी अच्छा सही है भाई, काफी टाइट क्लिक्स है, तो हाँ इतनी इजीली बर्स्ट नहीं होगा, लेकिन सच बताओ यार ऊपर से यार बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो लगता है, लेकिन पीछे से भाई कुछ भी भाई कुछ भी यार, सही में भाई इस ड्राइवर दे दिया यार इस बेबेट के साथ, इसके साथ अगर गाइस प्लीज अल्टीमेट रिबूट ड्राइवर दे देता, अगर गाइस इसके साथ एवोल्यूशन ड्राइवर दे देता तो ज्यादा अच्छा होता, पता नहीं यार क्यों ऐसा ड्राइवर दे दिया। वर्जन द लास्ट वैल्क्री गाइस, इसके लिए गाइस एक लाइक प्लेयर कर ही दो यार, लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहां पे देखिए 1, ओके भाई यहाँ पर थोड़ा सा भाई एक टाइप से 1 क्लिक से मेरे को सुनाई दिया, इसका भाई बोस सिस्टम उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इस लेफ्ट एंड राइट स्पिनिंग मोड है। ओके फिर यार एक टाइप से यार काफी टाइट क्लिक्स है,
और इसके साथ यार वही एकदम सेम टू सेम रेड कलर का एक्सल ड्राइवर दे दिया। एटलीस्ट यार फ्यूजन ड्राइवर देना चाहिए था, यहाँ पर छोटा सा अगर पॉइंट दे देते तो यार एकदम फ्यूजन ड्राइवर हो जाता। पता नहीं इतना छोटा सा काम क्यों नहीं किया फिल्म रन ने, लेकिन फिर भी यार एक टाइप से सही है भाई, काफी हद तक सही है। नॉट बैड, नीचे से एकदम पूरा भाई वेट सा लग रहा है। साले मजाक बना के रखते हो। ओके तो ये रहा यार बोस्ट स्प्रिगन, हियर वी गो गाइस। ओ वाओ वाओ गाइस, अब इस ड्राइवर को देखने में काफी ज्यादा वेट सा तो लग रहा है, लेकिन हाँ देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। नॉट बैड गाइस, ड्राइवर का एकदम नीचे का हिस्सा एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्क्रेप करेगा गाइस अगर नीचे से पता है तो, और स्टैमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मुझे तो ऐसा ही लगता है गाइस अगर थोड़ा सा टिल करके मैं लॉन्च करूंगा तो। ये लो भाई लगा देते हैं। तो गाइस ये हो गया गाइस हमारा डिवेन विलेन नीचे से एकदम फुल्ली सेटअप, ऊपर का हिस्सा अभी तक मेरे पास आया नहीं, मैं जल्दी से जस्ट अकेले और बाकी सारे के सारे यार बेबेट सेट बाई कर लूंगा। ओके तो हियर इज आवर डिवेन विलेन, तो मैं इसको साइड में रख देता हूं। तो चलो गाइस इसका लेफ्ट स्पिनिंग मोड यूज करते हैं, हालांकि मेरे पास तो इसका टूल नहीं है तो मैं इस आर्मर से ही करूंगा गाइस, बहुत ही ईजी है गाइस। ये लो हो गया भाई लेफ्ट स्पिनिंग मोड, देखते हैं पोस्ट स्प्रिगन कितना वेट करता है। ओके भाई 71 ग्राम्स, क्या बात है यार बहुत हैवी है, नॉट बैड। इसके बाद गाइस अल्टीमेट वैल्करी, ओके 68 ग्राम्स भाई, इसका तो प्रॉब्लम है। फिर से एक और बार अल्टीमेट वैल्करी वर्सेस बोस्ट स्प्रिगन, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, मार दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।